You are watching Channel Y, Channel Y, a South Asian Canadian channel. कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा के सेहत ते गृह मंत्री अनिल विज नूं आई दिक्कतां दे कारण देर रात रोहतक PGI अंबाला शिफ्ट कर दिता गया, जिथे वार्ड नंबर 24 विच उन्हां दा इलाज चल रहा है। इस नूं वेखते हुए अनिल विज नूं PGI दे डॉक्टर प्लाज्मा थैरेपी देण ते विचार कर रहे ने। फिलहाल अनिल विज दी स्थिति स्थिर बनी हुई है। गौरतलब है कि अनिल विज नूं वैक्सीन दी डोज देण तों बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया ते उन्हां दे अंबाला दे सिविल हस्पताल दे विच इलाज चल रहा सी। पंडित भगवत दयाल शर्मा सेहत विज्ञान विश्वविद्यालय दे जनसंपर्क विभाग दे इंचार्ज डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने दस्या कि हरियाणा दे सेहत मंत्री अनिल विज नूं निगरानी दे लई PGIMS विच भर्ती किया गया। उन्हां नूं संस्थान दे स्पैशल वार्ड विच देर रात भर्ती किया गया। रोहतक PGI दी टीम प्लाज्मा थैरेपी देण ते विचार कर रही है। फिलहाल ओह ठीक हन ते जल्द ठीक हो के वापस घर जाएंगे। उथे ही डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने आम लोगों तो अपील करते हुए कहा कि जब तक सेहत मंत्री की COVID-19 रिपोर्ट नैगेटिव नहीं आ जाती उदों तक उन्होंने मिलन तो गुरेज किया जाए। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कहा कि वह सेहत मंत्री अनिल विज का तय दिलों धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने अपने इलाज के लिए PGIMS चुनिया। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कहा कि PGIMS प्रबंधन नूं पूरा भरोसा है कि अनिल विज बहुत ही जल्द सेहतयाब होकर अपने घर वापस परतणगे। उन्होंने कहा कि जित तक सेहत मंत्री अनिल विज नूं कोवैक्सीन देने की गल है, तक वैक्सीन तो बनने वाली एंटीबॉडी तो पहला ही उन्होंने कोरोना संक्रमण हो गया से, जिसका इलाज चल रहा है। हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, वो कल रात को करीब 10:30 के करीब हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इनको कोरोना की शिकायत थी, जिसका ट्रीटमेंट अम्बाला में चल रहा था, और उनको एक कोर्स रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है दिया जा चुका है। वैसे जो इनकी हालत है वो स्टेबल है, लेकिन जो टेस्ट हुए हैं उनके जो स्कैनिंग में थोड़े पैचेज आए और फीवर की शिकायत थी। तो ये देखते हुए कि पूरा इलाज होना चाहिए, उन्होंने अपने आप को हमारे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एग्री किया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनका पूरा विश्वास है कि जो हमारा सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से समर्थ है इलाज करने में। ऐसे है कि जब वो शाम को आए तो मैंने जैसे आपको बताया वो स्टेबल थे, लेकिन सिम्टम्स हैं जैसे कि कुछ फीवर था उनको, तो दवाई तो पहले दी जा चुकी थी। जब सिम्टम्स आते हैं तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे फीवर आ गया तो फीवर की दवाई दे दी। तो जब वो कल रात को आए तो वो ठीक थे और अभी भी वो ठीक हैं। सवेरे उन्होंने अंडों का सेवन किया, चाय ली और दलिया खाया और फीका दूध पिया, और हम सीरियसली ये विचार कर रहा है हमारे संस्थान के उनका जो इलाज है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। उनको प्लाज्मा थेरेपी देने पर सीरियसली विचार हो रहा है। देखिए, जो कोवैक्सीन दी जाती है, कोवैक्सीन भी एक तरह का संक्रमण है, वो बड़ा हल्का संक्रमण होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक एंटीबॉडीज़ पूरे ना बने हों तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो वो संक्रमण उनको हुआ क्योंकि उनका पूरा ट्रीटमेंट वैक्सीन से नहीं हुआ था। मतलब मैं बताना ये चाहूँगा आपको कि उसमें 42 दिन लगते हैं एंटीबॉडीज़ बनने में, तो संक्रमण इनको पहले ही हो गया। तो जब ऐसी हालत होती है कि वैक्सीन दी गई है और संक्रमण हो जाए तो फिर और ज्यादा संक्रमण होता है वो, क्योंकि दोनों तरफ से मार लगती है। यू आर वॉचिंग चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।